सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो अभी हम क्या सीख रहे हैं? तो अभी हम सीख रहे हैं जो हैप्पी एडोन है उसके सारे मॉड्यूल वगैरह सीख रहे हैं। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने कौन सा मॉड्यूल सीखा था? तो कि प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि रिव्यू, जो मतलब टेस्टिमोनियल हो गया आपकी कंपनी के रिगार्डिंग, जो क्लाइंट रिव्यू देते हैं, ठीक है, वो आपको शोकेस करवाना हो तो आप रिव्यू के मतलब रिव्यू नाम का जो मतलब मॉड्यूल था उसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट में मतलब टेस्टिमोनियल यानी कि क्लाइंट रिव्यू आप शोकेस करवा सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि बिफोर और आफ्टर इमेज एड करना। ठीक है, तो वो आप कैसे ऐड कर सकते हो और वो हम सीखेंगे हैप्पी एडोन के मॉड्यूल से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जेम्प में अपाच और माई सीक्वल एज ऑलवेज स्टार्ट करना है, तभी आप डैशबोर्ड में लॉगिन कर पाओगे। ठीक है, तो डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और डैशबोर्ड में लॉगिन करके ही देखते हैं कि कोई दो प्लगइन है उसको अपडेट की नीड है। तो पहले अपडेट कर लेते हैं दोनों प्लगइन को। ठीक है, फिर जो हमारा डेमो पेज है, ठीक है, उसी में हम एज ऑलवेज वर्क करेंगे। तो फिर देखो, कॉल नाउ बटन को अपडेट है और दूसरा कौन सा है, स्मार्ट स्लाइडर 3। चलो ठीक है, ये एक्टिव तो नहीं है पर फिर भी इसको अपडेट कर लेते हैं क्योंकि अपडेट कर देना चाहिए। ठीक है, तो कॉल नाउ बटन और स्मार्ट स्लाइडर 3। ठीक है, सो ये कॉल नाउ बटन तो अपडेट हो चुका है, अभी स्मार्ट स्लाइडर 3 की बारी है, ये भी अपडेट हो जाए फिर जो हमारा डेमो पेज है उसी में वर्क करेंगे। ठीक है, सो जब तक ये मतलब अपडेट हो रहा है ना, मतलब आप कुछ परफॉर्म मत कीजिएगा कहीं पे, मतलब यहाँ पे पेज पे चले जाओ ऐसा वगैरह नहीं करना है आपको, या फिर न्यू टैब में भी नहीं ओपन करना है। ये अब जब तक अपडेट हो रहा है अपडेट होने दो, वरना फिर क्या दिक्कत आ सकती है अपनी वेबसाइट में। ठीक है, तो एक चीज़ का ये ध्यान रखना है आप सबको। ठीक है, तो ये दोनों प्लगइन अपडेट हो चुके हैं, तो हम जाते हैं पेजेस में। तो पेजेस में जाने के बाद जो हमारा डेमो पेज है उसी को व्यू करते हैं। यही वाला है ना? हाँ यही वाला, क्योंकि एलिमेंटर वाला ही हम, क्योंकि ये तो जब हमने ऐसे ही मतलब बनाया था। ठीक है, इसको तो हम बाद में रिमूव कर देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, अभी फिलहाल यही वाला, ये डेमो पेज हमारा ओपन हो चुका है। मैं बोल रहा था प्रीवियस वीडियो में लास्ट में क्या सीखा था, तो कि ये रिव्यू देखा, ये रिव्यू वगैरह आप ऐड करने के लिए आप कैसे ऐड कर सकते हो वो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था। ठीक है, सो इसको यहाँ पे आते हैं और इसको यहाँ से एडिट विद एलिमेंटर। सो ये लोड तो हो चुका है, फिर यहाँ पे सिर्फ मतलब पेज लोड हो चुका है सिर्फ यहाँ पे, और ये क्यों आ रहा है, कांट एडिट इनको प्रॉब्लम लोडिंग एलिमेंटर। ठीक है, वो आ जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से एनेबल नहीं करना है, फिर आप जैसे ही एनेबल करोगे, ओके ये वेट करने को बोल रहा है, ठीक है वेट कर लेते हैं। ठीक है, चलो ये चला गया ना, मतलब हो जाता है कभी, मतलब आपका मतलब पीसी लोड ले रहा है, ठीक है, या फिर आपकी मतलब इंटरनेट की स्पीड थोड़ी सी कम है ऐसा वगैरह कुछ हो तो ये हल्का सा मतलब बफर करता है। ठीक है, तो लोड होने में उतना हल्का सा टाइम लगता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एज ऑलवेज जो हमारा बॉटम है, ठीक है, बॉटम में ही आते हैं, इसको मैं क्या करता हूँ फिलहाल एनिमेशन हटा देता हूँ क्योंकि ये ना बार बार वो हो रहा है। तो फिर क्या, वो जैसे हम आ रहे हैं तो वो अपने हिसाब से वो कर रहा है, यहाँ से सिर्फ क्लोज कर देना, ठीक है, और यहाँ से डन कर देना। अभी अपडेट करने के बाद फिर बाद में अब जैसे ही मतलब आप करोगे तो फिर वो ऐसे वर्क नहीं करेगा। ठीक है,
तो यहाँ से नया मॉड्यूल लेते हैं, नया मॉड्यूल ये वाला ले लेते हैं ठीक है फिलहाल। और ये मॉड्यूल को हम एडवांस टैब में आके टॉप और बॉटम में 50-50 पिक्सल मार्जिन दे देते हैं ठीक है। और फिर यहाँ से प्लस का एक आइकन पे क्लिक करो या फिर यहाँ पे, दोनों जगह से ये सारे मॉड्यूल ही आएंगे ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हैप्पी एडोन यूज़ करना है ओनली सिर्फ, तो फिर ये सारे को ऑफ कर देंगे एसेंशियल और ये ठीक है। तो रिव्यू देख लिया, इमेज कंपेयर, या फिर मैं बिफोर आफ्टर इमेज भी मैंने बोला, तो इमेज कंपेयर आप बोल सकते हो, मतलब मॉड्यूल का नाम इमेज कंपेयर, पर इसका वर्क तो वही है बिफोर आफ्टर इमेज वगैरह ठीक है। तो फिर जैसे ही हम यहाँ से ये मॉड्यूल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो डेमो कंटेंट हमें दे गए, तो हम क्या करेंगे एक दूसरी कोई इमेज ले लेंगे उसके लिए ठीक है। देखा बिफोर आफ्टर, अच्छा इसने डेमो कंटेंट दिया ही नहीं है, सिर्फ यही दिया है मतलब जो डमी इमेज रहती है सही वही दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बिफोर वाली इमेज सिलेक्ट करते हैं, तो हमने शायद पहले बनाया था ताकि वो एसेंशियल एड ऑन का शायद था ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, इमेज तो वही वाली ले लेंगे ठीक है, यही वाली, ये हमने एडिट करके डाली थी यहाँ पे ठीक है। तो इसी की जो मेन इमेज होगी वो ले लेते हैं, इसकी इमेज ये रही, ये बिफोर इमेज ठीक है, ये बिफोर इमेज ये आ गई। और रिजोल्यूशन यहाँ पे फुल रखना है। फिर आफ्टर इमेज, आफ्टर इमेज हमने कौन सी थोड़ी एडिट करके थोड़ा कलर वगैरह एनहांस करके मतलब कॉन्ट्रास्ट वगैरह सब एडिट करके एक दूसरी इमेज अपलोड की थी उसी की सेम इमेज ठीक है। सो ये मीडिया फाइल ओपन हो जाए तो वहाँ से ही सिलेक्ट कर लेंगे ठीक है। ओके ये लोड ले रहा है क्योंकि पीसी में काफ़ी सारी चीज़ें ऑन है इसलिए ये लोड ले रहा है। ये लोड हो चुका है, तो ये आफ्टर वाली इमेज यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं ठीक है। तो वाली इमेज सिलेक्ट करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बिफोर इमेज थी और आफ्टर इमेज दोनों यहाँ पे, मतलब आपको क्या करना रहेगा कि जो अब बिफोर इमेज दो आफ्टर इमेज दो, दोनों की साइज़ आपको बिल्कुल सेम रखनी है, जैसे कि मतलब है मतलब 1000 पिक्सल बाई 1000 पिक्सल है, तो दूसरी इमेज भी आपको मतलब जो आप ऐड कर रहे हो वो भी 1000 पिक्सल बाई 1000 पिक्सल की हो तो ये अच्छी दिखेगी और तो ही अच्छे से मतलब ये वर्क करेगा ठीक है। वरना इमेज कुछ अलग है, बिफोर इमेज अलग है, आफ्टर इमेज अलग है, तो फिर दोनों सेट ही नहीं हो पाएगी ठीक है। फिर यहाँ से दोनों की रिजोल्यूशन वगैरह चेंज कर सकते हो, यहाँ पे सेटिंग है कि रेशियो क्या रखना है, तो फिर यहाँ से मतलब 0.5 रखा है, फिर यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो 0.6 देख रहे हो, तो 0.5 का 0.5 रखते हैं। फिर यह भी हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल भी आप ऐड कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल सही है। हाइड ओवरले, तो हाइड ओवरले में क्या है, ओके ये तो फिर पूरा मॉड्यूल चेंज हो जाएगा ठीक है। इसको ऐसा कैसा ही रखते हैं। फिर हैंडल, हैंडल क्या करना है कि होवर पे चाहिए, हैंडल मूव ऑन होवर, ये देखो देख रहे हो, जैसे मैं मतलब मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ ऐसे ही सिर्फ मतलब वहाँ पे होवर कर रहा हूँ, वो अपने आप मूव कर रहा है ठीक है। फिर ऑन क्लिक है, ऑन स्वैप है, फिर ऑन क्लिक भी आप कर सकते हो, ऑन क्लिक तो फिर वो यहाँ से हो जाएगा बिफोर आफ्टर पर जैसा था स्वैप हम वैसा का वैसा ही रखते हैं। फिर यहाँ से स्टाइल में हैंडल का कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, तो क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड में इमेज मतलब रेड वगैरह है, तो हैंडल अपने हिसाब से जो ये वाइट कलर है ये ठीक है। फिर हैंडल के बाहर साइज आप इंक्रीज कर सकते हो यहाँ से, फिर विड्थ और बॉक्स की विड्थ हाइट वगैरह एड मतलब चेंज वगैरह कर सकते हो। फिर ये लेबल जो दिया है ठीक है,
तो वो यहाँ से लेबल भी एडिट कर सकते हो। ये जो मतलब ओवरले आ रहा है ना, हाइड ओवरले, ये भी ओवरले आ रहा है, ठीक है। और जैसे यहाँ से हाइड कर देंगे हम, तो फिर हम जैसे ही मतलब यहाँ पे ओवर कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर ओवरले भी सही है। तो फिर आपको ऐसा वाला मतलब ये चीज़ करना हो तो आप कैसे कर सकते हो, अभी यहाँ से अपडेट कर लेता हूँ मैं, और फिर आप प्रीव्यू चेंजेस में जाके आप चेंजेस वगैरह देख सकते हो कि क्या हमने कैसे किया था, ठीक है। तो आज की वीडियो में कौन सा मॉड्यूल सीखा, तो कि आज की वीडियो में सीखा इमेज कंपेयर, यानी बिफोर और आफ्टर इमेज ऐड करना हो तो आप हैप्पी एडोन के मॉड्यूल के थ्रू कैसे शोकेस करवा सकते हो, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी एक नई वीडियो में। अगर वीडियो वगैरह पसंद आ रही है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।